आज अगर शाहनवाज हुसैन सब लोग और मुख्तार अब्बास नकवी, मैं बोलता ना इस देश में सबसे ये दोनों नेता सलमान करता है, आज की तारीख मरने के बाद हमें अगर शादी कर हमारी रात जाती है गंगा में उन्हीं किरदारों से बैठे बैठे जो उनकी पत्नियां बांग्लादेश और पाकिस्तान, तो आज की तारीख सबसे बड़े लव जिहादी जो मुसलमानों की मौत होती है और इसका जिक्र आज क्यों कर, शादियां तो दसों पहले नमाज पढ़ने वाला मुसलमान शाहनवाज हुसैन बीजेपी के मुस्लिम चेहरे हैं, वाजपेयी सरकार में मंत्री रहे, कई बार सांसद रहे, इन दिनों बिहार चुनाव में बाल गंगाधर तिलक कहते विचार कर मुख्तार अब्बास नकवी वाजपेयी सरकार में मंत्री रहे, अभी भी मंत्री हैं, कई बार सांसद रहे और बीजेपी के वरिष्ठतम नेताओं में से एक है मुस्लिम चेहरे। इन दोनों नेताओं का जिक्र क्यों कर रहा हूं, क्योंकि आज जब भी कोई हिंदू लड़की किसी मुस्लिम से शादी करती या कोई मुस्लिम लड़का किसी हिंदू लड़की से प्रेम कर शादी कर लव मैरिज कर तो उसे लव जिहाद का नाम, एक ऐसा माहौल बनाया जाता है जैसे बहुत बड़ी साजिश की तरह के तहत ये किया जा रहा है। इन दोनों की कहानी क्या, शाहनवाज हुसैन की पत्नी आज वो अपना नाम रेणु हुसैन लिखती है, उनका नाम रेणु शर्मा था। शाहनवाज हुसैन ने भी 80 के दशक एक लड़की से प्रेम किया, दिल्ली में पढ़ते थे, बस में शायद उनकी मुलाकातें हुई जाते आते, ऐसी जानकारियां हैं, और उसके बाद दोनों में प्रेम हुआ, कई साल तक परिचित दोस्त की तरह दोनों रहे, एक दूसरे के परिवारों के यहाँ जाना आना हुआ, और उसके बाद 8-9 साल की दोस्ती जान पहचान, और उसके बाद शाहनवाज हुसैन ने रेनू से शादी की, शादी की 1994, आज से देखें तो 26 साल पहले, आज पति पत्नी है, उनके दो बच्चे हैं, बड़े हो गए। दूसरे मुख्तार अब्बास, मुख्तार अब्बास नकवी की पत्नी सीमा नकवी, कॉलेज के दिनों में मुख्तार अब्बास नकवी सीमा से मिले इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में, दोनों एक दूसरे से दोनों को प्यार हुआ, सीमा के परिवार वाले उस दौर में भी शायद इस शादी के लिए तैयार नहीं रहे होंगे, शुरू ऐसी कुछ चीजें मुझे वेबसाइट पर दिखी, लेकिन खैर दोनों में प्यार था, मोहब्बत थी, दोनों ने एक दूसरे को पसंद किया और आखिरकार गंगा की कसम जन्नत की कसम नकवी मुख्तार अब्बास नकवी की पत्नी रावी की रवानी बदलेगी, सुखी परिवार है, मुआ ना बदलेगा उनके भी, अगर जोश में तेरा होश परिवार में सदस्यों का एक दूसरे परिवारों में आना जाना होता है, बल्कि मुख्तार अब्बास नकवी ने हिंदू रीति रिवाज से शादी की, फेरे भी लिए और मुस्लिम रीति रिवाज से भी निकाह, तो सीमा और मुख्तार अब्बास नकवी की शादी दोनों रीति रिवाज से हुआ, यहाँ तक की कोर्ट में, और उनके घर में दिवाली भी मनाई जाती है, ईद भी, यही शाहनवाज हुसैन के घर में। तो दोस्तों ये दोनों देश की राष्ट्रवादी पार्टी के चेहरे, और आज अगर सिर्फ मुस्लिम लड़के की शादी किसी हिंदू लड़की से हो जाए शिवाजी महाराज को शेर के तो वो लव जी, और ये परिभाषा हाल के वर्षों में गढ़ी गई है, गढ़ी कुछ साल पहले गई, लेकिन हाल के वर्षों में इस परिभाषा को, इस सोच को राजनीतिक संरक्षण यूपी में लव जिहाद रोकने के लिए उत्तर प्रदेश में तो ऐसी व्यवस्थाएं की जा रही है कि लव जिहाद रोकी जाए, और अभी कुछ दिन पहले खबर मैंने पढ़ी थी कि योगी आदित्यनाथ ने सरकार के सरकारी अधिकारियों को निर्देश कि लव जिहाद रोकी जाए, जैसे ये बहुत बड़ी साजिश हो रही, पता नहीं कितने मुल्कों से इस्लामिक मुल्कों से ऐसी साजिश रची जाए, तो ये नैरेटिव, ये सोच और ये नफरत, ये फैलाई इस कदर गई, उसी का नतीजा कि तनिष्क का एक विज्ञापन, एक हिंदू मुस्लिम एकता, गंगा जमुनी तहजीब, दो धर्मों के बीच अच्छे रिश्ते, एक मुस्लिम घर में एक हिंदू बहू का इस्तकबाल स्वागत, अगर वो गर्भवती होती है, प्रेग्नेंट है, तो उस बहू को हिंदू रीति रिवाज के साथ इसकी जो भाई है भूलते हुए मेरे रोमांटिक में, कितनी अच्छी तस्वीर है, कितनी खूबसूरत तस्वीर है, और वो बहू कहती है सासू माँ को
कि आपके यहाँ तो ऐसा रीति रिवाज नहीं है, वो चकित होती है क्योंकि हिंदू रीति रिवाज से वो नहीं हो रही, ऐसा ही माहौल बनाएगा। तो उनकी सास कहती है कि बेटियों को खुश रखने की रस्म तो हर घर में होती है ना, जब वो बहू पूछती है माँ ये रस्म तो आपके घर में नहीं है। इतना खूबसूरत वीडियो, इतना खूबसूरत विज्ञापन, किन लोगों को इसमें लव जिहाद दिखाया, किन लोगों को इसमें नफरत, किन लोगों को इसमें वो बात दिखी जो उनके नफरती सोच को सार्वजनिक तौर पर सामने ला। तो ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये शाहनवाज हुसैन अपनी पत्नी के साथ, ये मुख्तार अब्बास नकवी।